गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना होता है एमएस ऑफिस, जिसके अंदर आता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस। एमएस वर्ड जो एमएस ऑफिस का बेसिक सूट है और मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है और बहुत जरूरी होता है। अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हम सब कैसे करते हैं और एमएस वर्ड को प्रैक्टिकली हम जो है अपने इन सारे लेक्चर्स के थ्रू अब सीखने वाले हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको एमएस वर्ड जो है बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के अंदर एमएस वर्ड को जनरली बहुत बेसिकली पूछा जाता है। तो इसको समझे बिना इससे आगे के सॉफ्टवेयर्स भी आपको समझ नहीं आ पाएंगे। तो एमएस वर्ड बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, बेसिक सॉफ्टवेयर है, तो इसे हम समझेंगे और वो भी बहुत इजी वे में, ठीक है। तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसको जो फर्स्ट रिलीज किया था अक्टूबर 25, 1983 के अंदर, ठीक है, 1983 के अंदर इसको फर्स्ट रिलीज किया गया था। अब हमने स्टार्ट करना है एमएस वर्ड, तो सबसे पहले हम जो है एमएस वर्ड पर क्लिक करेंगे और ये हमारा स्टार्ट होता है एमएस वर्ड 2021, ठीक है। अब जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड को तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जो बहुत सारे टेम्पलेट्स, इन बिल्ट टेम्पलेट हमें एमएस वर्ड ने दिए हैं, लाइक मोर टेम्पलेट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, तो ये सारे जो है इन बिल्ट हमारे टेम्पलेट्स हैं। तो लाइक आपको एजुकेशन फील्ड से कंसर्न टेम्पलेट चाहिए तो आप एजुकेशन पे आएंगे, और यहाँ पे जो है आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से चाहिए तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपको नहीं चाहिए तो आप बैक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। तो ये हमारा खुल गया है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ये है एमएस वर्ड का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब हम इसमें एमएस वर्ड को समझेंगे, और आज के इस लेक्चर में जो हम स्टार्टिंग में समझने वाले हैं डेट इज एमएस वर्ड का बेसिक्स, कैसे एक नई न्यू फाइल क्रिएट होती है, कैसे फाइल को ओपन किया जाता है, कैसे फाइल सेव होती है और कैसे फाइल को क्लोज करना है, और वर्ड इंटरफेस, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट न्यू फाइल। जैसे इसके अंदर हमें एक नई फाइल बनानी है, ठीक है, हमें वर्क स्टार्ट करना है तो हमें एक नई फाइल बनानी होगी। फाइल में आएंगे, ठीक है, न्यू पे आएंगे एंड देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, दिस इज ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपनी फाइल जो है बनानी स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, हमें जो भी जैसा भी टेक्स्ट चाहिए हम वो यहाँ लिखेंगे। और ये मैंने सिंपल सा लिखा है वेलकम, ठीक है, तो मेरे को ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा करूंगी, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और इसको और बड़ा करना है यहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सिंपल सी फाइल बनाई है, अब आप इसको बहुत बड़ा फाइल बना सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे, ठीक है। तो ये एक फाइल बनी है, अब हम देखते हैं कि कैसे इस एनवायरमेंट में हमने काम करना है। तो आपको जो ये सबसे ऊपर दिख रहा है ये है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये जो फाइल है इसका बाय डिफॉल्ट नेम, इस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम ऊपर आ रहा है डॉक्यूमेंट 5 से, ठीक है, डॉक्यूमेंट 5 ये इसका बाय डिफॉल्ट नेम है। इस फाइल का नेम हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो अभी हम आगे बताएंगे कैसे चेंज करना है, और वर्ड क्या शो कर रहा है कि आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, इसके अंदर वो सारे आइकन्स हैं जिनको हम क्विकली एक्सेस करते हैं। जैसे हमने देखो ये है अंडू, ये है रीडू, ये है सेव, ठीक है, और ऑटो सेव, और ये है एमएस वर्ड का आइकन, ठीक है। और इधर आप अगर देखेंगे राइट साइड को तो इधर है मिनिमाइज बटन और रीस्टोर बटन, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को मीडियम साइज में लाएगा। अब आप इस पे फिर से क्लिक कर देंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, और ये है क्लोज बटन। तो ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है टाइटल बार,
ठीक है, सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो है टाइटल बार, जिसमें टाइटल आएगा एमएस वर्ड, जो कि जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, ये है आपकी फाइल का नेम, ये है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम था, ये है फाइल का नेम। तो फाइल का नेम अगर हमने चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ छोटे से शॉर्टकट टूल्स हैं, शॉर्टकट आइकन्स हैं ये, जिनको हम बार बार अपने यूज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइकन्स होते हैं वो ऊपर हमें इस तरीके से शो रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। उसके बाद आता है मेन्यू बार, ये है आपका मेन्यू। अब ये मेन्यूज आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी देते हैं, ये फाइल से कंसर्न कि कैसे आप फाइल को बना सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और ये है होम, होम होम जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका रिबन खुलता है और आपको नई नई फैसिलिटीज, कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं होम से कंसर्न, कि भी आपको कैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, कैसे टेक्स्ट पे वर्क करना है, इंसर्ट, अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, कुछ ड्रॉ करना है, डिजाइन करना है, मतलब जब भी जिस भी टैब पे आप क्लिक करेंगे उससे कंसर्न रिबन, रिबन खुलेगा, ये नीचे रिबन खुल रहा है, ठीक है। जैसे होम पे क्लिक किया तो ये सारा ये रिबन खुला, ठीक है। होम पे अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा ये रिबन बंद हो जाएगा, ठीक है। रिबन को ऑन करना है तो होम पे हम डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो डबल क्लिक से ये ऑन ऑफ होगा। अब इसमें आपको ये ग्रुप्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं, बीच में पार्टीशन दिख रहा है ये, तो ये आपके ग्रुप्स हैं, एक एक ग्रुप, और हर ग्रुप में कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं आपको, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड, तो जैसा आपको काम करना है वैसे फैसिलिटी आप जो है यहाँ से यूज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम चलते हैं कि हमने कैसे नई फाइल बनानी है, ठीक है। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए अगर हम शॉर्टकट लें, दैट इज कंट्रोल प्लस एन, यानी कंट्रोल प्लस एन से भी हमारी न्यू फाइल बनेगी, और या फिर हम जो है फाइल में आएंगे और यहाँ से न्यू करेंगे, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करेंगे और यहाँ से हमारी एक नई फाइल जो है तैयार हो गई है। बाय डिफॉल्ट नेम ये डॉक्यूमेंट से लेता है, डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये अपने आप जो है डॉक्यूमेंट का नेम जो है इंक्रीज ऑर्डर में देता रहता है, बाय डिफॉल्ट देता है। इस नेम को आपको चेंज कर सकते हो आप कैसे, सेव में जाके, ये जो फाइल हमने बनाई है, जैसे लाइक न्यू में आए हम और हमने जो है न्यू में आके अभी ये फाइल नई क्रिएट की है, इसमें हम कुछ लिखेंगे लाइक वेलकम लिखा, वेलकम इन एमएस वर्ड, ठीक है, हमने ये लिखा। अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये हमने कर दिया इसको, पहले इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर हम इसको कर देंगे बड़ा, 24 का फॉन्ट मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब ये हमने फाइल में कुछ लिख दिया, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फाइल को एक नेम दे देना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट 6 से नेम आ रहा है, हम इसको एक नेम दे देंगे और वो देंगे सेव से, कैसे देंगे सेव से, ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे, और ये हमारे जो लोकेशंस पूछ रहा है कि हमें ये फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं इसको दिस पीसी मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर देती हूँ और डेस्कटॉप पे ये फाइल को सेव कर देती हूँ। तो डेस्कटॉप पे मेरे को ये फाइल का नेम देना है, और ये फाइल का नेम मैं दे देती हूँ, डेट इज फाइल वन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेव एज टाइप आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारे डिफरेंट टेम्पलेट्स ये प्रोवाइड कर रहा है कि ये फाइल हमें किस टाइप की चूज करनी है। जैसे हम इस फाइल को एज ए पीडीएफ भी बना सकते हैं यहाँ से, अभी ये फाइल हम वर्ड डॉक्यूमेंट से सेव कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हमारा जो एमएस वर्ड होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन रहता है डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम कर देंगे सेव, ठीक है। अब हम ऊपर देखेंगे तो फाइल वन हमारा नेम आ चुका है, तो हमारी फाइल जो है, जो एक न्यू फाइल हमने क्रिएट की थी, उस न्यू फाइल का एक नेम हमने बना दिया है, नेम सेव कर दिया है, डेट इज फाइल वन, ठीक है। अभी हमने जो है देखा कैसे एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो नई फाइल को क्रिएट करने के लिए अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है तो हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन, और यहां से भी हमारी एक नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। अभी हमने न्यू फाइल बनाना सीखा, अब ओपन फाइल, अगर आपको एक फाइल ओपन करनी है तो आप इसके लिए या तो कंट्रोल ओ यूज करेंगे, या फिर फाइल में आएंगे और यहां से भी आप एक फाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ओपन को सिलेक्ट करेंगे, और ये जो आपकी फाइल है, जो भी आपकी रिसेंट फाइल्स होंगी वो सब आ जाएंगी, वो उसमें से आप अपनी वाली फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल वन को ओपन कर रही हूँ, अब मेरी फाइल वन ओपन हो गई है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने ओपन करनी है। फिर फाइल को सेव कैसे करना है, यहां से हमने सेव देखा था कि फाइल को सेव कैसे करना है। जैसे हम उसको सेव करेंगे तो वो फाइल हमारा हमारे वाले नेम से सेव हो जाएगी जो भी हम देंगे, ठीक है। फिर इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट इज सेव एज, अगर हमने यही फाइल किसी दूसरे नेम से भी सेव करनी है, जैसे मैं इसी फाइल को डेस्कटॉप पे एक और लोकेशन डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ और एक और दूसरे नेम से, सेव एज होता है कि उसी फाइल को दूसरे नेम से सेव करना, ठीक है। तो ये भी वर्ड डॉक्यूमेंट से मैं सेव कर देती हूँ और ये मैंने डेस्कटॉप पे दूसरे नेम से सेव कर दी। अब मैं यहां से देखो मिनिमाइज कर रही हूँ, मिनिमाइज किया मैंने, ये जो फाइल्स खुली हुई हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप है ये, यहाँ पे हमारी ये फाइल आ गई है फाइल वन, ठीक है, और फाइल टू, फाइल टू भी हमारी यहीं कहीं है, ये रही फाइल टू। तो इस तरीके से हमारी ये फाइल्स जो हैं डेस्कटॉप पे आकर के सेव हो गई हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फाइल वन में, और आगे हमने क्या करना था, न्यू फाइल हमने क्रिएट करके देख ली है, ओपन भी किया है फाइल को, और सेव ए फाइल से हमने फाइल को सेव किया है, क्लोज ए फाइल, जैसे हमने कोई फाइल को क्लोज करना है, जैसे इस फाइल को हमने क्लोज करना है तो हम जो है इसको कर सकते हैं कैसे, यहां से क्लोज, यहां से डायरेक्टली आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे या ओल्ट एफ फोर कर देंगे, ठीक है, ओल्ट एफ फोर, तो आपकी जो है फाइल क्लोज हो जाएगी, जो भी ओपनड फाइल है वो क्लोज हो जाती है ओल्ट एफ फोर से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपने जो भी मैटर लिखा है क्या उसको सेव करना है, तो आप उसको सेव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेव करने के लिए आप एक नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड इंटरफेस, तो वर्ड इंटरफेस इसके अंदर हमने क्या देखना है, इस पूरे वर्ड का एनवायरमेंट देखना है, एनवायरमेंट समझना है। तो ये जो पेज है जिसपे हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी वर्क कर सकते हैं इस एरिया पे, ठीक है। सबसे ऊपर रहता है टाइटल बार, जहां पे हमें हमारे सॉफ्टवेयर जो कि एमएस वर्ड है, और जो हमारी फाइल जो कि डॉक्यूमेंट 5 या जो हम नेम देंगे उस नेम से जो है हमारी फाइल नेम यहां रहेगा। ये कुछ क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ छोटे छोटे आइकन्स दिखेंगे हमें, ठीक है। ये सर्च करने के लिए हम कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, और इधर जो है मिनिमाइज बटन है जो हमारी इस फाइल को मिनिमाइज कर देगा, ये हमारी फाइल मिनिमाइज हो गई है, ठीक है। अगर आपको फिर से वो फाइल खोलनी है तो आप जो है यहां से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर कर देगा जो कि मीडियम साइज में होता है, और फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमम साइज में आ जाएगा, यहां से हमारी फाइल क्लोज होती है। उसके बाद आता है मेन्यू बार, और हर एक मेन्यू को यूज करने के बाद हर एक मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो उससे कंसर्न रिबन खुल जाता है, और उससे कंसर्न फैसिलिटीज को आप यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम इन रिबन्स में जो भी ग्रुप्स हैं और इनके अंदर जो भी फैसिलिटीज हैं वो सब हम वन बाय वन करके सीखेंगे। अभी हम सिर्फ फाइल को क्रिएट करना और फाइल को ओपन सेव और क्लोज करना सीख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपको ये नीचे दिख रहा है इसको रिबन कहते हैं, इसके अंदर ये पार्टीशंस में आपको जो दिख रहा है ये ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर जो है ये छोटे छोटे आइकन्स हैं जो आपको डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ऊपर जो ये मेन्यू बार में ये जो दिख रहा है आपको ये होते हैं टैब्स, ठीक है, और ये इधर जो आपको यहां दिख रहा है ये वर्टिकल रूलर, ठीक है, जो हमारे स्क्रीन जो हमारी ये जो पेज है इसकी साइज दिखाता है कि ये जो है यहां से यहां तक, ये हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर, ठीक है, ये हमारे पेज की मेजरमेंट दिखाएगा। और सबसे नीचे है ये स्टेटस बार, इसमें आपको स्टेटस दिखेगा आपके पेज का, अभी हम पेज वन पे हैं और इसके अंदर टोटल पेज भी वन है, ये लिखा हुआ है ना पेज वन ऑफ वन, तो हम पेज वन पे हैं और टोटल पेज है इसके अंदर वन, ठीक है। उसके बाद है 15 वर्ड्स, जो कि हमें बता रहा है कि हमारी जो ये स्क्रीन है इसके अंदर 15 वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आगे हमारी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये एक लैंग्वेज शो हो रही है कि हम किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो, ये एक्सेसिबिलिटी के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। इधर राइट साइड में आपको जूम बार दिखेगा, और यहां से आप अपने ये जो ये फॉन्ट साइज है ना, जो ये फॉन्ट आपको दिख रहे हैं, अगर आपको ये स्क्रीन की साइज बड़ी करनी है तो आप यहां से जूम कर सकते हैं, जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो थ्री सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, तो इसमें पहला सिंबल है रीड मोड, अगर आप रीड मोड में कर देते हैं तो आप यहां पे सिर्फ इसको रीड करेंगे, ठीक है, आप यहां पे कुछ राइट नहीं कर सकते, फिर रीड मोड में सिर्फ रीड हो सकता है। नेक्स्ट मोड होता है इसमें प्रिंट लेआउट, अगर आप प्रिंट लेआउट मोड पे हैं तो आप इसमें हेडर, फुटर, टेक्स्ट एंड कलर्स ये सब देख सकते हैं,
ठीक है। और अगला मोड होता है ये वेब लेआउट मोड। जैसे हम इस पे कर्सर लेके आ रहे हैं तो ये हमें इसके बारे में इन्फॉर्म भी करेगा। देखो वेब लेआउट ये जो इन्फॉर्म कर रहा है ना, तो इसको टूल टिप बोलते हैं। जैसे जिस भी टूल पे आप कर्सर लाते हो तो उसको टूल टिप कहते हैं। तो वेब लेआउट के अंदर अगर हम हैं तो ये हमें बताता है कि हमारा जो ये पेज है ना, ये वेब पेज पे कैसा दिखेगा, ठीक है, वेबसाइट पे कैसा दिखेगा एज द वेब पेज, ठीक है। तो ये एज ए वेब पेज आपको शो कर रहा है कि आपका ये पेज ऐसा लगेगा। तो ये था सारा एमएस वर्ड का बेसिक्स। अभी हमने सिर्फ फाइल्स को क्रिएट करना, ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना और इसके एनवायरनमेंट को देखा है। अभी हम धीरे धीरे इसके बारे में देखेंगे और यहाँ पे जो भी जरूरी कमांड्स होती हैं, सारी कमांड्स को हम बहुत इजी वे में देखेंगे। और एमएस वर्ड इसके बाद अगर आपको, जैसे आप ये पूरे लेक्चर्स अगर अटेंड कर लेते हैं तो एमएस वर्ड आपको इतने अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आप किसी भी जगह पर इजीली कंप्यूटर वर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एमएस वर्ड बेसिक्स। तो स्टूडेंट्स आप जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाएं अगर आपको एमएस वर्ड अच्छे से करना है, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।